गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बातूनी कछुए की कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक झील के पास कछुआ रहता था। दो सारस पक्षी उसके अच्छे दोस्त थे, उनके साथ झील में रहते थे। एक बार झील सूखने लगी और उसमें जानवरों के लिए थोड़ा सा पानी बचा था। सारस ने कछुए को बताया कि दूसरे वन में एक झील है जहाँ बहुत सारा पानी है, उन्हें जीवित रहने के लिए वहाँ जाना चाहिए। वे योजना के अनुसार कछुए के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने एक छड़ी को लिया और कछुए को बीच में मुंह से पकड़े रखने के लिए कहा और कहा कि अपने मुंह को खोलना नहीं, चाहे कोई भी बात हो। कछुआ उनकी बात मान गया। कछुए ने अपने दांतों से उस छड़ी को पकड़ लिया और दोनों सारस ने छड़ी के दोनों कोने को अपनी चोंच से पकड़ लिया। रास्ते में गांव के लोग कछुए को उड़ता देखकर हैरान हो गए। उन दो पक्षियों के बारे में जमीन पर हंगामा सा मच गया था, जो एक छड़ी की मदद से कछुए को ले जा रहे थे। सारसों की चेतावनी के बावजूद कछुए ने अपना मुंह खोला और कहा, यह सब क्या हंगामा हो रहा है। ऐसा कहते ही वह जमीन में गिर गया और उसकी मौत हो गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जितना आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। बेकार की बात ज़्यादा करने से स्वयं की ही हानि होती है। थैंक यू।